कपूर परिवार, खान खानदान, भट्ट फैमिली, पटौदी का नवाब परिवार, ये बॉलीवुड की चर्चित फिल्मी फैमिलीज हैं। इन परिवारों की एक से ज्यादा पीढ़ियां हिंदी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। लेकिन आज की स्टोरी में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स की जो अपने दौर में फिल्मी पर्दे पर राज किया करते थे, जबकि अब उनके परिवार का फिल्मी दुनिया से नाता टूट चुका है। किसी के बच्चों ने फिल्मों में कदम रखने की बजाय लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी, तो किसी ने असफलता का स्वाद चखने के बाद फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। राजकुमार। अभिनेता राजकुमार को बॉलीवुड का जानी कहा जाता है। अपने रौबदार अंदाज की वजह से राजकुमार दर्शकों के बीच भी खासे फेमस थे। जब तक राजकुमार जीवित रहे, फिल्मी पर्दे पर राज करते रहे। राजकुमार के तीनों ही बच्चे फिल्मी दुनिया से गुमनाम है। उरू राजकुमार ने यह 1996 में फिल्म बाल ब्रह्मचारी से डेब्यू किया था। पूर्व फिल्मों में राजकुमार जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाए। साल 2014 में वो फिल्म एक्शन जैक्शन में इंस्पेक्टर शिक्रे के रोल में आखिरी बार दिखे थे। वहीं राजकुमार की बेटी वास्तविकता भी बरसों से गुमनामी की जिंदगी जी रही है। राजकुमार के छोटे बेटे पाणिनी पंडित भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए। राजेंद्र कुमार। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार का जादू सिल्वर स्क्रीन पर खूब चला था। एक दौर तो ऐसा भी आया था जब उनकी फिल्म सिनेमा हॉल से सिल्वर जुबली मनाए बिना उतरती ही नहीं थी, जिसकी वजह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा जाने लगा था। अफसोस, राजेंद्र कुमार की सफलता को उनके बेटे कुमार गौरव दोहरा नहीं पाए। वह वन फिल्म वंडर बनकर ही रह गए। कुमार गौरव अब बिजनेसमैन बन चुके हैं। वहीं उनकी दोनों बेटियों ने भी फिल्मों से दूर रहना ही बेहतर समझा। वैजयंती माला। 50 और 60 के दशक में वैजयंती माला इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा रही। वैजयंती माला ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि वह बेहतरीन एक्टर और डांसर भी थी। वैजयंती माला ने कई पॉपुलर फिल्मों में अपना जौहर दिखाया। 85 साल की वैजयंती माला लंबे वक्त से फिल्मों से दूर है। वह इस हद तक बदल चुकी हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। बता दें कि वैजयंती माला के बेटे का नाम सुचिंद्रा बाली है। सुचिंद्रा बाली ने तमिल फिल्मों में काम किया, हालांकि उनका करियर 4 फिल्मों से आगे नहीं बढ़ पाया। माला सिन्हा। माला सिन्हा भी अपने दौर में हिंदी फिल्मों की टॉप अभिनेत्री रही है। माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा भी उन्हीं की तरह काफी खूबसूरत है। हालांकि फिल्मों के मामले में प्रतिभा अपनी मां की तरह लकी नहीं रही। प्रतिभा सिन्हा ने दर्जन भर फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। उन्हें आज भी राजा हिंदुस्तानी फिल्म के गाने परदेसी परदेसी में गेस्ट अपीयरेंस के लिए ही याद किया जाता है। दिलीप कुमार। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। दिलीप कुमार की बेगम सायरा बानो भी अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रही हैं। दिलीप कुमार और सायरा बानो की अपनी कोई औलाद नहीं है, यानी इन दो सुपरस्टार्स की विरासत को भी पर्दे पर आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। रीना रॉय। 70s के दशक में भी रीना रॉय का जादू हिंदी फिल्मों में खूब चला। रीना ने 2 दशक से ज्यादा लंबे वक्त तक फिल्मों में काम किया। रीना रॉय के परिवार का कनेक्शन भी फिल्मों से टूट चुका है। उनकी एक बेटी है जो लाइमलाइट से ही दूर रहना चाहती है।